अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के इन तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तों जो कतर से आपको बताने वाला, साथियों आप लोगों को पता होगा कि आए दिन हमेशा इंडिया में कभी स्पेस जेट, कभी एयर इंडिया, कभी दोस्तों जितनी फ्लाइटें हैं हमेशा कहीं ना कहीं दोस्तों इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। इसी महीने लगभग 3 से 4 फ्लाइटों को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिनमें से 2 फ्लाइटों जो थी वो पाकिस्तान के कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इंडिया की 2 फ्लाइटों को लैंड करवाया गया था इमरजेंसी के तौर पे। किसी तरह का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मैंने वीडियो में बताया भी था, और एक फ्लाइट को उतारी गई थी ओमान के मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो साथियों फिर ऐसा ही घटना जो है वो इंडिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों कल के दिन फिर से एक घटना घटी, जिनमें से दुबई जा रहे फ्लाइट को, कोची से फ्लाइट उड़ान भरी थी और दुबई जा रहे फ्लाइट को वहां पे इमरजेंसी लैंडिंग दोस्तों मुंबई एयरपोर्ट पे ही कराया गया। फ्लाइट जो है वो कोची से उड़ान भरी थी, इमरजेंसी लैंडिंग दोस्तों वहां पे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कराया गया। अब खबर दोस्तों क्या है, मैं पूरी डिटेल के साथ आपको पढ़ के बताऊंगा और आपको स्क्रीन पे भी मैं शो करूंगा, पढ़ भी सकोगे। तो खबर दोस्तों ये इस प्रकार का है कि साथियों इमरजेंसी लैंडिंग दोस्तों एक फ्लाइट को कराई गई, दुबई जा रही फ्लाइट को, एयर इंडिया के फ्लाइट को आपात लैंडिंग, यात्रियों को हवा में लगाना पड़ा मास्क, यानी दोस्तों ऑक्सीजन की शायद कमी हो गई थी। अब खबर दोस्तों यह है कि एयर इंडिया के बारे में हमेशा शिकायतें मिलती रही है, जब वो दोस्तों गवर्नमेंट के अंदर में था। अभी फिलहाल दोस्तों आपको पता होगा कि एयर इंडिया जो है वो टाटा ग्रुप ने खरीद लिया, यानी बोली लगाई गई थी और उसे गवर्नमेंट की तरफ से उसे बेच दिया गया था। तो एयर इंडिया के बारे में मिलने वाली शिकायतों को ज्यादातर जो है वो किराए की वापसी को लेकर, उड़ान की ओवर बुकिंग को लेकर, कर्मचारियों का गलत व्यवहार को लेकर शिकायतें हमेशा मिलती रहती थी। 8 अक्टूबर को आप लोगों को पता होगा, 8 अक्टूबर को ही दोस्तों 2021 में एयर इंडिया को बेच दिया गया था टाटा ग्रुप को। पहले भी दोस्तों एयर इंडिया जो था वो टाटा ग्रुप का ही था। लगभग 40 से 50 साल पहले इंदिरा गांधी द्वारा दोस्तों फ्लाइट वो एयरवेज को ले लिया गया था, फिर से दोबारा टाटा ग्रुप ने उसे अपने अंडर में ले लिया। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर A1934 जो है वो कोची से दुबई की उड़ान के दौरान कम दबाव का सामना करने के बाद मुंबई के लिए डायवर्ट किया गया, यानी दुबई से जाने वाली फ्लाइट को मुंबई डायवर्ट किया गया और फ्लाइट की मुंबई में सुरक्षित लैंडिंग करा दी गई। एयर इंडिया बोइंग फ्लाइट एयरक्राफ्ट टाइप B787 में 21 जुलाई को कुछ दिक्कत को लेकर सूचना दी गई, जिसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट करके मुंबई में लैंडिंग कराई गई। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, तो ये दोस्तों दिक्कतें जो हैं वो काफी दिनों से इंडिया के फ्लाइटों में आ रही है और अब तक जितनी घटना घटी है साथियों, लगभग एक महीने में 4 से 5 फ्लाइटों को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, उनमें से लगभग 1000 यात्री उस फ्लाइटों में सवार थे। तो यदि कोई भी फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो जाती तो सैकड़ों लोग दोस्तों फ्लाइट में मारे जाते, क्योंकि क्रैश होने के बाद किसी भी बचने की संभावना दोस्तों नहीं होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, डीसीए की तरफ से एक जवाब मांगा गया है कि सभी एयरवेज की तरफ से, चाहे वो स्पेस जेट हो, एयर इंडिया हो, चाहे वो दोस्तों किसी के कोई भी फ्लाइट हो इंडिया में, सभी में ये दिक्कतें आ रही है। अब चलते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों, वैसे वो इंडिया से 2 खबरें हैं। पहली खबर मैं आपको बताता हूं साथियों, सीबीएसई एग्जाम के बारे में आपने जरूर सुना होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो कि इंग्लिश बोर्ड का ही एग्जाम होता है। तो 12 का रिजल्ट दोस्तों जो है वो आ चुका है, जिनमें 10 का रिजल्ट। तो 10 के रिजल्ट के दौरान दोस्तों वहां पर रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया गया। एक लड़की है जिसका दोस्तों नाम है तानिया सिंह, वीडियो के स्क्रीन पे फोटो में शो कर रहा हूं, ये बुलंदशहर की रहने वाली है, डीपीएस स्कूल की। उन्होंने टॉप किया है पूरे इंडिया में, यानी दोस्तों 500 में से 500 नंबर ये प्राप्त की हैं। तो दोस्तों ये बोर्ड ये एग्जाम दी थी, इसी साल का ये रिजल्ट है, सीबीएसई रिजल्ट दोस्तों आने के साथ ये अनाउंसमेंट किया गया। एक खबर दोस्तों मैं और बताता हूँ साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन दोस्तों कुछ दिन पहले किया गया था, जिनमें से सभी वहां पे पार्टियों ने अपने अपने मेंबर को उतारा था। तो दोस्तों बीजेपी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी को उतारा गया था। तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी है इलेक्शन को प्रेसिडेंट के पद को वो जीत गई हैं और ये इंडिया की आजादी के बाद पहली ऐसी महिला बनी है जो कि आदिवासी महिला इंडिया का प्रेसिडेंट को चुनी गई। तो मेरे तरफ से उनको ढेर सारी बधाइयां। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथ ही नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।